अब जो हम देखने जा रहे हैं ये इस किले का जो मेन एंट्रेंस है जो पूरब दिशा है, जो राजपूत जो सारे राजा हुए वो सूर्य के उपासक जो आने जाने के रास्ते भी पूरब की तरफ रखे हैं, तो ये यहाँ का इस किले का मेन दरवाज़ा था। और ये जो सामने दरवाज़ा जिसको सूरज पोल के नाम से जानते हैं, और ये दरवाज़ा जो है एक तरह से 1906 में राजा फतेह सिंह जो अंग्रेज़ों के में राजा थे जिन्होंने इन दरवाज़ों को वापस नया दूसरा बनवाया, नया बनवाया, तो ये नया थोड़ा दिख रहा है। और उस समय के ये रास्ते जो कच्चे रास्ते बने हुए जो पहले का मेन था ये मेन एंट्रेंस जो अब हो गया, क्योंकि उस जमाने में घोड़े हाथी जो चढ़ते थे उनके लिए कच्चे रास्ते अच्छे रहते, तो ये कच्चे अभी भी बने हुए हैं। हाँ, और ये गेट नया बनवाया क्योंकि जब अकबर ने 1568 में इस किले को जीत लिया तो जीतने के बाद इस किले से तीन चीज़ें अपने साथ ले गया जीत की निशानी के तौर पे। आगरा में लोगों को दिखाएगा कि मैंने चित्तौड़ का किला जीता तो लोग कैसे विश्वास करेंगे, तो इस वजह से यहाँ से एक दरवाज़ा उखाड़ के ले गया जो कहते हैं कि आगरा का किला जो फतेहपुर सीकरी जहाँ बुलंद दरवाजे वहाँ लगाए थे, यहाँ के जो मेन गेट थे उन गेट के बारे में कहते हैं कि बाद में जो भरतपुर के राजा सूरजमल जाट थे जिन्होंने अकबर से वो छीन लिए, जो यहाँ के जो ओरिजिनल गेट थे पहले के वो आज की तारीख में भरतपुर के डीग में रखे हैं, भरतपुर के डीग में और जो उस समय अकबर ने तीन चीज़ें अपने साथ ले गया जीत की निशानी के तौर पर, एक दरवाज़ा उखाड़ के ले गया, एक काली मंदिर जो हमने छोड़ा है मतलब एक तरह से तो वो काली मंदिर का दीपदान था वो अपने साथ ले गया था, और एक महलों में जो हमने सबसे पहले देखे जो पूजा के समय नंगाड़े बजाते थे ड्रम, वो ड्रम लेके गया था अकबर, हाँ कुंभा महल में, तो वहाँ से वो ड्रम लेके अपने साथ, ड्रम के बारे में कहते हैं कि उनमें ज़्यादा वजन था, हो सकता वो आगरा तक ले जा नहीं पाया अकबर, तो उसने अजमेर की दरगाह में रखे हैं। आज की तारीख में वो अजमेर की दरगाह में यहाँ के नंगाड़े हैं, और यहाँ का दरवाज़ा जो भरतपुर के डीग में है तो ये नया बनाया, और ये ऐसे नीचे तक सात दरवाजे थे, सात अंक को शुभ मानते थे क्योंकि हमारे जो सप्त ऋषि मानते हैं सप्ताह में सात दिन है, और ये अपने आप को राम के संतान मानते थे, रामायण में जो है सात चैप्टर अलग अलग लंका कांड अयोध्या कांड, तो इस वजह से वो सात अंक को शुभ मान करके सात दरवाजे रखे हैं जो किले में आने जाने के लिए। और उस जमाने में जैसे कोई दुश्मन की सेना एक दरवाजे को तोड़ भी दे तो दूसरे दरवाजे पे उनकी सेना तोड़ने के लिए रुकेगी जब तक अंदर तैयारी हो जाए, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से सात दरवाजे ऐसे नीचे तक थे, लेकिन अभी कुछ बचे हैं बाकी के टूट गए। और हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का ये कैंप थे इधर, और इन्हीं रस्तों से ये युद्ध के मैदान भी थे, और इन्हीं रस्तों से अलाउद्दीन खिलजी का हमला हुआ, इसी वजह से रानी पद्मिनी का जो जौहर है वो महल जो पीछे स्थित है पश्चिम की तरफ जो मेन पैलेस जो कुंभा के नाम से अभी वर्तमान में, उन महलों में पद्मिनी का जौहर हुआ। और जौहर जो करते थे वो दुश्मन से डिस्टेंस रख के दूरी बना के फिर जोर किया जाता था ताकि बीच में बाधा नहीं आए। तो ऐसे पूरा 13 स्क्वायर किलोमीटर में इसके चारों तरफ दीवार है इस पहाड़ी के, और इस दीवार के कहने का मतलब स्क्वायर किलोमीटर में 13 स्क्वायर किलोमीटर में, तो स्क्वायर किलोमीटर में 8 किलोमीटर इसकी लंबाई है किले की, 5 किलोमीटर चौड़ाई है, तो टोटल 13 स्क्वायर किलोमीटर ऐसी दीवार बनी रही है, सुरक्षा की दीवार है। उस जमाने में कोई दुश्मन इस दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करे तो ये जो होल देखते हैं आप छेद जो बने हैं दीवारों में ऊपर से उस समय गर्म तेल गर्म पानी डालते थे ताकि वो स्लिप हो और दीवारों पे चढ़ने की कोशिश नहीं कर सके चढ़ नहीं पाए, तो ऐसे ये सुरक्षा की दीवार जो 13 स्क्वायर किलोमीटर में इस किले के चारों तरफ हैं। और इस गेट के जो देखेंगे ना आप तो गेट के जो अंकुश जिनको किले जो लगे हैं ना इनको अंकुश कहा जाता है, जो हाथी को चलाने के लिए अंकुश होता ना, तो ये हाथी को कंट्रोल करने के लिए, और ये अंकुश इस गेट पे हाथी की हाइट के अनुसार लगाया क्योंकि दुश्मन जो आते थे वो हाथियों को लेके और हाथियों को शराब पिला के फिर हाथी शराब के नशे में दौड़ करके दरवाजों से टकराता था, इन दरवाजों को तोड़ने के लिए उनका उपयोग लिया जाता था, तो उस जमाने में उनकी हाइट के अनुसार ये अंकुश लगाया हर गेट पे ऐसे गेट लगते थे ताकि हाथी इनको जो है पुश नहीं करे धक्का नहीं दे। लेकिन बाद में ऐसे विकल्प ढूंढे गए जिसमें ऐसा मानते हैं कि एक ऊँट को खींच के लाते थे, ऊँट को आगे खड़ा करके फिर हाथी से मार कराते थे, तो एक ऊँट के नुकसान पे ऊँट के मरने के बाद गेट तोड़ करके सेना दुश्मन किले को जीतने के लिए अंदर आते थे, तो ये उस समय के विकल्प थे एक तरह से। और ये पूरा युद्ध का दृश्य युद्ध मैदान, नीचे में एक छोटा सा गांव है जो इस गेट जो है इस किले का एंट्रेंस जिसका नाम सूरज पोल है, उस सूरज पोल के नाम से उस गांव का नाम पूरा जो है सूरज पोल गांव कहा जाता है, जो किले के उस समय है सामने में स्थित है ये, लेकिन अभी हम दृष्टि से देखें तो ये किले का पीछे के तरफ स्थित है। और नीचे जो एक रोड बनी हुई है जो रोड अभी जो है कोटा आगरा होते हुए दिल्ली जाती, तो पहले क्या कि इस किले पे हमले 27 बार हुए तो
इन हमलों के पीछे जो मुख्य कारण थे वो ये थे कि दिल्ली पे जो कोई भी सुल्तान है, शासक है, उसकी नज़र हमेशा गुजरात और मध्य प्रदेश को लूटने के लिए रहती थी। गुजरात और मध्य प्रदेश जो ऐसे राज्य हैं जो कृषि प्रधान है, एक तरह से खेती अच्छा है वहाँ का, और उस ज़माने में और आज भी सबसे ज़्यादा जो धन दौलत मिलता है वो गुजरात और मध्य प्रदेश में मिलता है। इसी वजह से वो दिल्ली के सुल्तान लूटने के लिए उस ज़माने में भी ये रास्ते थे गुजरात और मध्य प्रदेश में जाने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे कई बार हमले हुए क्योंकि वो लूट। तो ये सामने अभी जो हम आए हैं इधर में हम जो हैं देखने वाले, जैसा हमने पहले विजय स्तंभ देखा है जो विजय स्तंभ इस किले के पश्चिम की तरफ बना है, और हम अभी पूरब की तरफ हैं किले के। तो अभी जो हैं किले के पूरब की तरफ ये सामने जो स्तंभ है जो कीर्ति स्तंभ के नाम से टावर ऑफ फेम भी कहते हैं, ये जो बनाया था इस विजय स्तंभ जो हमने देखा उससे 200 वर्ष पहले का इसको बताते हैं। और ये एक व्यापारी जो बगेरवाल जीजा नाम था जो दिगंबर पंथ से बिलोंग करता था, उन्होंने ये स्तंभ का जैन तीर्थयात्राएँ करके फिर ये स्तंभ अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बनवाया है। और इसी को देख करके ऐसा मानते हैं कि वो विजय स्तंभ बनाया गया और ये उससे 200 वर्ष पहले का है। और इस स्तंभ की जो हाइट है ये ज़मीन से 75 फीट ऊँचा है और इसमें चढ़ने के लिए 57 सीढ़ी है। हमने वो स्तंभ देखा विजय स्तंभ, वो 9 स्टोरी में है, 9 ग्रह के आधार पर उसमें रामायण महाभारत काल के अनुसार जो है गॉड एंड गॉडेस देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। और ये जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर मानते हैं और सबसे पहले आदिनाथ ऋषभ देव भी कहते हैं, वो उनकी मूर्तियां जो है आउटसाइड में लगी हुई। कहने का अर्थ ये स्तंभ जो है ये आदिनाथ जो जैनियों में लगी हुई है, आदिनाथ ऋषभ देव मतलब आदिनाथ भी कहते हैं, ऋषभ देव भी कहते हैं। तो ये जो स्तंभ है ये उनको समर्पित है जो जैन धर्म में पहले तीर्थंकर हुए हैं। उनकी नेकेड मूर्तियां, क्योंकि जैन धर्म में दो ब्रांच होते हैं दिगंबर और श्वेतंबर, तो वो दिगंबर पंथ से था इसलिए इसके आउटसाइड में नेकेड मूर्तियां बनी हुई। और इसके तीसरी मंजिल पे छोटी छोटी मूर्ति बनी हुई 108 मूर्ति आदिनाथ की। तो ये स्तंभ जो एक तरह से कीर्ति स्तंभ उस ज़माने में ये दोनों जो स्तंभ बनाए हैं, एक पूरब की तरफ बना है ये कीर्ति स्तंभ, एक पश्चिम की तरफ विजय स्तंभ। तो इनके दूसरे पर्पज ये थे बनाने के कि दूर का एरिया देखा जा सके। ये एक तरह से वॉच टावर है जो अगर इधर से कोई दुश्मन आता है देखने के लिए टावर है, उधर से कोई दुश्मन आवे तो देखने के लिए वो विजय स्तंभ बनाया। और हाँ, ये सामने जो मंदिर है ये जो जैन धर्म में आखिरी तीर्थंकर जो महर्षि स्वामी है उनको समर्पित है, आदिनाथ ऋषि और महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं, जो 24 तीर्थंकर जो एक तरह से जैन धर्म की जो शिक्षाएं दी जो प्रोफेसर एक तरह से हैं उनको मंदिर है ये। और इनके शिखर वगैरह दोबारा नए बनाए हैं ये अभी जो दोनों, ये दिगंबर पंथ के और वो नीचे जो देखते हैं महल के बगल में, महल के बगल में वो जैन श्वेतांबर मंदिर है। तो ये अभी जो है वैसे वो 11th सेंचुरी के 12th सेंचुरी के, लेकिन हमले में टूट गए। तो आनंद जी कल्याण जी जो एक पेड़ी वाले इनकी जैनियों की ट्रस्ट है जो अहमदाबाद में, उन ट्रस्ट के अधिकार में अभी ये उनके द्वारा इनकी मरम्मत करके नई मूर्तियाँ स्थापित हुई जो आज़ादी के पहले, और उन्हीं के द्वारा ये पूजा पाठ होता है इसमें अभी। तो अब जो हम आए ना ये मीरा के जो देवर थे द्वितीय रतन सिंह, उनका महल है ये और उन्हीं के नाम से ये मंदिर भी है, रत्नेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। और इसी महल का ये मेन गेट है, और जो मीरा के द्वितीय मतलब देवर थे ये जो द्वितीय रतन सिंह, एक मीरा के जो पद्मिनी के समय जो रतन सिंह जो पद्मिनी के पति थे वो रावल रतन सिंह, वो अलग है। हाँ ये अलग है। मेवाड़ के राजा हैं शिव एकलिंग नाथ, हाँ, पर वो क्या सेना जो होती थी ना वो नारायणी सेना, मतलब हमारे को एक सिख सनातन धर्म ये देता है कि परिवार शिव की तरह होना चाहिए जिसमें बेरी भाव के भी साथ में लोग रहते हैं। जैसे शिव जी के जो वाहन है नंदी और उनकी पत्नी पार्वती जी जो माता हैं उनके वाहन है शेर, पर शेर और नंदी आपस में हम बैर होता है लेकिन वो उन समय साथ में रहते हैं। गणेश जी की जो महादेव जी के पुत्र हैं उन गणेश जी जो इनके वाहन मूसक हैं जिसको चूहा भी कहते हैं, तो और महादेव के गलों में जिनके आभूषण हैं महादेव के शिव के जो सर्प हैं, सर्प जो सर्प और चूहे के आपस में बैर होता है लेकिन उनके परिवार में साथ में रहते हैं। तो परिवार शिव की तरह होना चाहिए और सेना नारायण की तरह, नारायण जो ये चूना बनाने का गढ़ है जैसे हमने उधर देखा ना, तो इसमें चूना पीसते थे, ये बड़ा पत्थर का, हाँ बड़ा पत्थर का पहिया है ना बैल लेके घूमता था, और उस ज़माने में इसमें पत्थर के टुकड़े पीसने के साथ साथ खाने का चीज़ उड़द की दाल गुड़ गोंद मेथी वो सारा चीज़ इसमें मिक्स होता था, और उस पेस्ट को आग की भट्टी में पका कर उससे ये महल बने जो हजारों साल से खड़े हैं। और सीमेंट की जो एज होती है वो 100 साल 200 साल, फिर वो मिट्टी हो जाता है के साथ हैं।
इसका मंदिर है, ये लक्ष्मीनाथ जो लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी जी और विष्णु जिनके मंदिर है, तो एक ये तरह से इनकी सेना नारायण सेना होती थी और पारिवारिक जो है संदेश वो विष्णु के महादेव की, जो शिव को राजा मानते थे एकलिंग नाथ को। और ये मीरा के जो द्वितीय रतन सिंह जो देवर थे उनके महल, तो अंदर से चलते हैं देखते हैं। हाँ आइए अभी हम इस हाँ ये महल के अंदर जो सूर्य के इनके आप, मतलब मेन थे ना जो सूर्य की पूजा सूरज लाते थे, नहीं वो तो वहाँ यहाँ जैसे वो जो जरोखे बना पूर्व दिशा में, तो सूर्य जब उगता है तो वो अर्क देते थे पानी को, फिर सारा रूटीन का काम होता था। मेन गेट, मेन गेट तो वो है ये सेकंड एंट्रेंस। अच्छा हाँ जो गांव बसा हुआ है इसमें, जैसे सामने सूरज गोखड़ा जहाँ पे सूर्य की पूजा अर्चना करते थे, एक तरह से सभा मंडप है जहाँ पे सभाएं होती थी, राजा वो ऊपर बैठते थे जो जरोखे बने हैं। हाँ आइए अंदर से, कमरे जो हैं कुछ अभी ये पूरा एक तरह से खंडर है, ये तो ऐसे रूम बने हैं। नहीं नहीं दस हाँ चाहे तो देख सकते हैं, अभी टूटे हुए जो पार्ट हैं वो मंदिरों के वो रखे हैं इनमें स्टोर की तरह एक गवर्नमेंट ने। किचन टाइप में हाँ हो सकते हैं ये, हाँ ये गिर गए थे तो वापस गवर्नमेंट समय समय पे इनको रेस्टोर करती है। तो कुछ जगह आप सीमेंट देख सकते हैं, सीमेंट लगा हुआ, एक तरह से सूर्य को अर्घ देते थे तो सूरज गोखड़ा कहते हैं, गोखड़ा एक तरह से राजस्थानी शब्द है, गोखड़े का मतलब जरोखा हिंदी में, अंग्रेजी में बालकन्नी। तो ये उस ज़माने में राजाओं के लिए महलों में जो है बालकन्नी, और ये पूरब दिशा है सामने, तो जहाँ से सूर्य उदय होता था तो यह जगह से सूर्य के अर्क दे करके सारा काम बाद में रूटीन का काम शुरू करते थे यहाँ पे। हाँ अच्छा, और सामने ये जो सरोवर जो रतन सिंह महल कहते हैं, तो रतन सिंह के नाम से ये तालाब जो बना है इसका नाम रत्नेश्वर तालाब। रत्नेश्वर जी। अच्छा तो यहाँ पे सूरज लगा था कि वो जो नहीं नहीं वो तो वहीं है, वो मेन पैलेस तो वो था ना, ये तो बनवीर ने पार्टीशन किया, रतन सिंह उनसे पहले था। हाँ रतन सिंह ने पहले था ना, तो ये महल बनाया कुछ समय तक शासन किया। हाँ ये ऐसे उस समय हो सकते हैं मंदिर पूजा के लिए। अच्छा बनवीर ने पार्टीशन किया तब का है। हाँ बनवीर ने सोचा कि इधर का आधा मैं रखूँगा, उधर का उसको दे दूंगा, या उधर का मैं रखूँगा, ऐसे उन्होंने पार्टीशन कराया। तो इधर में भी ये सरोवर हैं, मंदिर हैं, महल हैं। तो इस किले में 8 महल थे, 113 मंदिर थे, 84 कुंड तालाब थे, इसलिए वो कहावत सटीक है कि गढ़ में अगर चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। हाँ राजा बैठते थे क्या? हाँ ये जरोखे जो हैं ये राजाओं के लिए, और इसके अंदर हाँ इसके अंदर में अलग अलग पार्टीशन के रूम भी हैं। तो जब सभाएं होती थी तो वो राजा इन विंडो से उनको संबोधन जो देते थे, एक तरह से निर्देशन वो ये जगह से होता था। अच्छा अभी हम उस परिसर में हैं जहाँ पे हो सकता है ये राजाओं का स्पेशल जो एक तरह से निवास स्थल रहे हो, तो सामने भी ये उनके कमरे हैं रहने के, जरोखे हैं, और ये जगह से जो नीचे से संबोधन देते थे ये एक तरह से उस समय का पीछे का, ताकि मेन गेट से थोड़ा दूरी पे पीछे की तरफ ये राजाओं के एक तरह से रेजिडेंस हैं, उनके कमरे हैं। हाँ ये जरोखे में बैठ के नीचे से प्रजाएं मतलब उनके सामंत सरदार, और ये उनके एक तरह से रूम है। रखे थे ना ये उनके रूम थे, ये छत था, जो छत तो गिर गया अंदर का, और ये सीढ़ियां थी चढ़ने के लिए। बीच में किस लिए बनाया करते थे? तो कोई ये वाली चीज़ इससे ये ताकि इधर से कोई आ रहा तो एक तरह से भाई वहाँ उनसे कि भाई अंदर आना चाहिए, कोई ऐसे हैं तो उनको रोकने के लिए, दूर का एक तरह से देखने के लिए। गिर चुका है अंदर रूम है। हाँ ये कमरे हैं, छत से कवर था ये अंदर, तो छत तो टूट गया है। ये दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। हाँ अब हम बाहर जो जाएंगे वो दूसरे गेट से जाएंगे। अच्छा तो काफी बड़ा है। तो हाँ तो ये इधर क्या बना रखा है? ये उस समय के महल के पार्ट है, और हो सकता है इनका जो एक तरह से घोड़े वगैरह अश्वशाला हो ये नीचे बांधते होंगे, ये अभी भी काले बने हुए हैं, कच्चे हैं नीचे से।
और ये जो छतरियां बनी हुई ऊपर, ताकि ये मतलब एक तरह से सुरक्षा कर्मी ऊपर खड़े रहते थे ताकि इधर से कोई दूर से अलर्ट रहे, मतलब सेना कोई दुश्मन इसको घेरे नहीं, तो दूर का नज़ारा देखने के लिए और जो उनके छाया के लिए ऐसे छतरियाँ बनी हुई है वो गेट पे बनी हुई, तो वहाँ उनके भाला लेके तीर कमान लेके उस समय सुरक्षा कर्मी के लिए ये छतरियाँ। ये पानी को, हाँ पानी को रखने के लिए जब दोबारा ये रिपेयरिंग के काम हुए ना तो पानी को ऐसे स्टोर करते थे जगह जगह, ये ऊपर स्टोर करने के लिए जब बड़ा। हाँ चलिए आगे चलते हैं। आई ये ऐसे खुला था, वो गिर गए हैं तो अवशेष रहे हैं अभी ये, क्योंकि हो सकते पीछे भी छते वगैरह से कवर्ड हो। अच्छा। पर समय के साथ और अकबर का किला जीतने के बाद ये किला वीरान पड़ा रहा काफी वर्षों तक, इस पर कोई रहा नहीं। फिर ये 1616 में संधि में दिया। हाँ। और फिर भी राजधानी तो उदयपुर रही, यहाँ राजाओं का शिकार के लिए आते जाते थे। हाँ। और वो नीचे जो रिवर है, जो गंभीरी नदी जो मध्य प्रदेश से आती है, जो पानी दिख रहा है काई काई जमा हुआ। हाँ। पेड़ों के बीच में ये नदी। हाँ। आ रही। अच्छा, ये दीवार बनी हुई सारी। दूसरे गेट से हम बाहर निकलने जा रहे हैं और ये दूसरी तरफ की जो सीढ़ियां हैं हाँ, ये इमरजेंसी एक तरह से जो हम बाहर निकल रहे हैं वो मेन गेट पे नहीं जाएंगे अब हम। हाँ, ये बाहर के महल से एग्जिट है एक तरह से बाहर। वो है पर इस खिड़की से भी बाहर निकल सकते हैं मंदिर के पास में। अभी हम जिस जगह पे हैं ये उस समय जो चित्तौड़ राजधानी हुआ करते थे, उस समय अगर राजधानी होने से और किले में जो हैं करीबन 65,000 जो लोग रहते थे, तो उस समय के बाज़ार जो हैं सामने में जो बाज़ार देख रहे हैं ये मोती बाज़ार के नाम से, मोती बाज़ार जो उस ज़माने में जो राजधानी हुआ होने से यहाँ पे जो कीमती चीज़ें होती थी, यहाँ से बड़े बड़े व्यापार जो व्यापारी आते थे अपनी शॉप लेके वो यहाँ दुकानें लगाते थे, तो ये राजधानी यहाँ पे उनका टैक्स के रूप में राजा उनसे टैक्स लेते थे जिससे राज्य की इनकम बढ़े, तो ये उस समय के बाज़ार है। इधर जो बाज़ार है इनके नाम नगीना बाज़ार है, हो सकते हैं यहाँ पर मोती और नगीने बिकते हों, और ऐसा भी अनुमानित है कि जो 65,000 लोग रहते थे वो आवश्यक चीज़ें जो हैं घरेलू हो सकता है वो ख़रीदने के लिए आते हों, लेकिन इनके नाम से ये स्पष्ट होता है कि ये उस समय के कीमती चीज़ें जो राजाओं के राजधानी होने से जो हीरे जवाहरात उनके ये बाज़ार रहे हों। तो दोस्तों आपने पूरा भ्रमण कर लिया है चित्तौड़गढ़ किले का, एक एक चीज़ें दोस्तों आज तक शायद मेरे ख्याल से किसी भी वीडियो में नहीं देखी होगी इतनी बारीकी से, और काफ़ी सारे पार्ट्स आपने देखे हैं अलग अलग पार्ट्स में। मैंने इस वीडियो को चित्तौड़गढ़ किले को अलग अलग पार्ट्स में मैंने आपको दिखाया है, और इसमें पूरा पूरा सहयोग जाता दिखाने का ये रामेश्वरम जी है, यहीं के लोकल है और गाइड है काफ़ी सालों से, लगभग इनको 20 साल हो गए गाइड करते हुए यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा है इनका सभी वीडियो के अंदर। और इनका जो नाम है और डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर भी दे दूंगा, आप जब चित्तौड़गढ़ आएंगे तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास में है ना नॉलेज का भंडार है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इनसे मिलके। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वरम जी, आपका स्वागत है आपका। रामेश्वर दास, लोकल स्तर का गाइड रामेश्वर, और इस किले पर जो सेवा का अवसर देंगे तो हम उसको सहर्ष पूरा निभाएंगे। और अभी फ़िलहाल जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर मैं एंडिंग कर रहा हूँ वीडियो की, ये आप शायद मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी वीडियो देख रहे होंगे चित्तौड़गढ़ किले की, और ये पीछे मेरे यहाँ पर म्यूज़ियम बना हुआ है जो लास्ट महल था, किसने बनवाया था इसको? ये जो सामने सफ़ेद महल जो देख रहे हैं ये महाराणा फतेह सिंह जो अंग्रेजों के समय मेवाड़ के राजा थे, जिनके बारे में कहते हैं कि उनके पहले जो राजा थे जिनके कोई संतान नहीं होने से फतेह सिंह जी जो इधर पास में जो मेवाड़ में एक गाँव है छोटा सा, वहाँ वो खेती करते हुए हल चलाते हुए उनको ला के मेवाड़ का राजा बनाया। जब इनके वंश में कोई संतान नहीं हुई तो वो जो राजा बने, वो राजा अनपढ़ होने के बाद भी बहुत अच्छे बुद्धिमान थे, उनके बारे में अनेक किस्से
ऐसे हैं, ऐसा कहते हैं कि जब वो 1906 राजा बने मेवाड़ के, तो उस समय मुद्रा कोष कम होने से, जैसे मोदी जी ने अभी नोट बदले, ऐसे उन्होंने सब मुद्राओं को इकट्ठा करके नए तरीके से मुद्राओं को गलान किया, जो पहले सिक्के वजन वाले होते थे उनका नए तरीके से सिक्के ढलवाए, जिससे मुद्रा कोष बढ़ने से उन्होंने इस मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ में बहुत से रिपेयरिंग के काम करवाए। साथ ही ये जो महल बनाया, जो उस समय एक तरह से गेस्ट हाउस था, क्योंकि कोई महल बचे नहीं, और राजा भी जो है उदयपुर से यहाँ शिकार के लिए आते थे, आखेट करते थे, और जो शिकार करते थे वो आदमखोर जो जानवर होते थे, जिसमें शेर हैं, चीते हैं, जो मवेशियों को खा जाते थे, लोगों को नुकसान पहुँचाते थे, ऐसे जानवरों का वो शिकार किया करते थे, वो शिकार के लिए आते जाते थे उस समय ठहरने के लिए। और अंग्रेज़ों से उनकी दोस्ती थी, अंग्रेज भारत में थे उस समय, तो उस समय मेवाड़ के राजा फतेह सिंह ने एक सिक्का भी चलाया था, जिस सिक्के पर एक तरफ लिखा था चित्रकूट, दूसरे लिखा था दोस्त लंदन, जो चांदी का सिल्वर का सिक्का था। और उन्होंने ये महल जो गेस्ट हाउस के रूप में बनाया, और 1956 के बाद जब गवर्नमेंट अधिकार में ये किला आया, तो जो पूरा किला जो हम देख चुके हैं, वो जिनमें सारे मोनूमेंट जो ASI के अधिकार में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो रूल हैं, उनके अनुसार जो 100 साल से बिल्डिंग पुरानी हो गई, वो उनके अधिकार में आती है। और 1956 में जब ये विभाग आए, उस समय इस बिल्डिंग को 100 साल नहीं हुआ, तो ये राजस्थान सरकार ने अपने अधिकार में लिया, और उस समय इसको ऊपर के फ्लोर में जो अभी किले में 5000 जो लोग रहते हैं उनके लिए स्कूल था, लेकिन अभी स्कूल को नीचे शिफ्ट कर दिया, जो सामने देख सकते हैं, और इसके नीचे के कुछ कमरे में म्यूजियम, जो राजकीय संग्रहालय के नाम से, और इस म्यूजियम में जो यहाँ के जो आसपास की मूर्तियाँ जो मिली है, उन मूर्तियों का कलेक्शन है, और कुछ जो यहाँ के आसपास जो रियासतें थी, जैसे बेगू हैं, बस्सी हैं, वहाँ की जो तलवारें हैं, बंदूक जो मिली है, वो चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है, जिसका 20 रुपये का टिकट है, और इस टिकट से आप ये महल विजिट कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं ऐसी कोई ऐतिहासिक वीडियो में, तब तक के लिए प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।